2020 के सियासी समर को देखकर सारे पुराने विधायक एक बार फिर से अपने अपने क्षेत्रीय समीकरण को भुलाना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में बक्सर के सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से बक्सर की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। इससे पहले उनके बयान को सुनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बक्सर की सियासत अभी किस जगह ठहरी हुई है। बक्सर के जो वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, मगर अशोक चौधरी जो कि अब जदयू का हिस्सा हो गए हैं, और जो कि पहले 2015 में जब मुन्ना तिवारी चुनाव लड़े थे उस दौरान अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हीं की टीम का एक हिस्सा थे मुन्ना तिवारी। आज जब अशोक चौधरी जदयू का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, मंत्री भी है, तो ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव फिर से लड़ने जाएंगे विधानसभा चुनाव के, और ये सारे विधायक जो कि अशोक चौधरी के करीब हुआ करते थे, इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि पिछली बार नीतीश कुमार के चेहरे पर हमने चुनाव जीता था, क्योंकि कांग्रेस को 27 सीटें इससे पहले नहीं आई थी। 2015 में जिस तरह से कांग्रेस ने 27 सीटें लाई, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसमें नीतीश कुमार का एक बड़ा हाथ था और अशोक चौधरी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बैठाया था उसका फायदा मिला था। हालांकि अशोक चौधरी के साथ ये विधायक इसलिए तब नहीं गए क्योंकि दल बदल कानून के तहत कहीं ना कहीं इनकी विधायकी रद्द हो सकती थी। अब जबकि समय बहुत कम बचा हुआ है, चुनाव सामने है, तो हर कोई अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जरूर चाहेगा। ऐसे में अशोक चौधरी के नेतृत्व में अगर मुन्ना तिवारी को जदयू की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं एक तरफ वो पहले से ही जीते हुए हैं और दूसरी तरफ अगर उन्हें लड़ने का मौका मिलता है तो उन्हें लगता है कि वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें एक समस्या है, ये सीट जदयू को जाएगी या भाजपा को, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। जदयू और भाजपा के बीच यानी एनडीए गठबंधन में अभी तक सीटें चिन्हित नहीं हुई है कि कहां से कौन पार्टी लड़ेगी। अपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने की जो होड़ है वो अब शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में मुन्ना तिवारी का यह बयान आया है। मुन्ना तिवारी ने सीधे तौर पर यह हमला कर दिया है कि भाजपा के किसी भी नेता में बक्सर से यह हिम्मत नहीं है कि वो मुन्ना तिवारी को चुनाव हरा सके। कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि एक कांग्रेस विधायक इस तरह का बयान दे सकता है, मगर आपको समझना होगा कि वो कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार की उन्होंने खुले मन से बड़ाई भी की थी, भाजपा के और जदयू के जो साझा कार्यक्रम है उनमें वो नजर भी आए थे, यहां तक कि नीतीश कुमार की मानव श्रृंखला में भी वो पुरजोर हिस्सा लिए थे पार्टी लाइन से अलग हटते हुए। और इस पर जब वहां के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने उन पर सवाल खड़े किया था तो उन्होंने कह दिया था कि मैं जाऊं जहां जा सकता हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अगर ये कार्यक्रम मेरे लिए उचित लगता है तो मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम था। वहीं आपको अंदर की खबर बता दें कि इस बार अशोक चौधरी कांग्रेस के कई विधायकों को अपने पाले में करने के, जदयू के पाले में करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनमें से कई विधायक जीते हुए हैं और कई विधायक ऐसे हैं जो कि अशोक चौधरी की टीम में पहली बार 2015 में चुनाव लड़े थे। अब आप समझ चुके होंगे कि समीकरण क्या है। अब आप यह भी समझ चुके होंगे कि आखिर मुन्ना तिवारी ने भाजपा के लोगों को क्यों खुलेआम ललकार दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब सीटों का समीकरण बनने के लिए एनडीए में बैठेंगे नीतीश कुमार और अमित शाह और रामविलास पासवान तब विनेबिलिटी देखी जाएगी। पहले से ही कांग्रेस के सदर विधायक मुन्ना तिवारी वहां से जीते हुए हैं और अगर वो जदयू में आते हैं तो पहले जो वो काम करना चाहेंगे कि वहां से भाजपा का कोई प्रत्याशी सामने खड़ा ही नहीं हो। हालांकि इस बात को भाजपा ने बहुत आसानी से नहीं लिया है। भाजपा ने सीधे तौर पर मुन्ना तिवारी के बयान का सीधे तौर पर प्रतिवाद कर दिया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने मुन्ना तिवारी को आपराधिक बता दिया है और कहा है कि इस तरह का बयान देने वाला व्यक्ति आपराधिक छवि का ही हो सकता है और ऐसे बयान देने से पार्टी को, किसी भी पार्टी को परहेज करना चाहिए। हालांकि भाजपा भी अच्छे से जानती है कि उस सीट से जब बहुत जल्दी जदयू अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाली है, ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि बक्सर का समीकरण थोड़ा सा अलग तरीके का है। यहाँ ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो काफी हद तक प्रभावित करती है चुनाव के रिजल्ट को, और अगर जदयू यानी नीतीश कुमार वहां से अपने प्रत्याशी को उतारते हैं मुन्ना तिवारी के तौर पर तो कांग्रेस को तुरंत वहां से एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि वहां से कांग्रेस ने भी अपना मन इस बार बना लिया है। बक्सर के पूर्व सांसद के तिवारी के पुत्र जो कि वर्तमान जिला अध्यक्ष भी है बक्सर के, तथागत हर्षवर्धन को कांग्रेस ने भी कहा जा रहा है कि इशारा दे दिया है कि वो चुनावी तैयारी अपनी शुरू कर दे, यानी कि इस बार बक्सर में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होने की संभावना दिख रही है।
सीधे तौर पर अगर समझाएं इस बात को, तो जहां एक तरफ पूर्व वर्तमान कांग्रेस जो विधायक है मुन्ना तिवारी, जो कि जदयू की तरफ से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं इस बार कांग्रेस वहां से पहले से जो चुनाव लड़ना चाहते थे तथागत हर्षवर्धन, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है, उन्हें वहां से गो अहेड दे चुकी है। ऐसी परिस्थिति में देखना यह होगा कि क्या मुन्ना तिवारी को वहां से चुनाव लड़ने की जो हामी है वो मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम इस समीकरण को समझने का प्रयास करें तो भाजपा और जदयू के बीच अभी तक सीटों का समीकरण नहीं बना है, मगर जिस तरह से वहां से दावेदारी अपने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा को वहां से जीतने नहीं देंगे, एक बात स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार से भी कहीं ना कहीं मुन्ना तिवारी को गो अहेड मिल गया है कि उस सीट पर वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बक्सर का चुनाव बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि बक्सर में जो लड़ाई होती है वो कांटे की होती है। पिछली बार भी आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जगदानंद सिंह और अश्विनी चौबे के बीच एकदम कांटे की लड़ाई हुई थी, अंतिम समय तक किसी को नहीं पता चला था कि कौन जीत पाएगा। ऐसे में जब अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि जो वर्तमान विधायक है वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बक्सर के लोग इस बार किस तरफ जाते हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019 शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।